हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है। बहन और भाइयों, हम इस लोक में अपने वर्तमान और भावी पीढ़ी को बताएंगे हमारे कारण राम मंदिर का निर्माण हुआ, और जब परलोक जाएंगे तो अपने पूर्वजों को भी बताएंगे कि हम आपके संकल्प की पूर्ति करके आए हैं, अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं। बहन और भाइयों, ये सौभाग्य का दिन देखने का अवसर किसी ने आपको दिया है तो ये मोदी जी ने दिया है, भाजपा ने दिया है, अन्यथा कांग्रेस और सपा का गठबंधन तो आज भी वही राग अलाप रहा है। क्या राग अलाप रहा है? जब इनकी सरकार थी तब कांग्रेस ने क्या किया था? तब कांग्रेस ने कहा था, राम तो हुए ही नहीं, कहा था ना, राम सेतु को तोड़ने का काम किया था ना कांग्रेस ने, और तब सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दिया था कि राम तो हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, ये भारत की सरकार कहती है जो संविधान की शपथ लेती है, और जिस संविधान में मूल प्रति में पुष्पक विमान से लंका से अयोध्या आते हुए भगवान राम के दरबार को दिखाया गया है, वह सरकार इतनी झूठ देश की सुप्रीम कोर्ट में बोलती है। बहनों और भाइयों, इसीलिए इनके बुद्धिदाता क्या कहते हैं वर्तमान में, कहते हैं भारत में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था। अरे भारत में नहीं बनेगा तो क्या इटली में बनेगा क्या राम मंदिर? ये राम मंदिर का निर्माण भारत की इतिहास की सबसे अद्भुत घटना है, और हमारी पीढ़ी धन्य है जो इस घटना के साक्षी बने हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।